आदाब नमस्कार। परवनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिलाधिकारी साहब दीपक मूड़ीकर ने कहा है कि जनता कर्फ्यू जनता के कहने पर ही लगाया जाएगा, लेकिन इसमें व्यापारी और जो छोटे व्यापारी है ये इसमें कितने सहमत होते हैं? परवनी शहर में जनता कर्फ्यू लगना चाहिए या नहीं, इसके लिए मैंने आज टेंट मंडप और लाइट वालों की राय ली है। नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम 6 महीने से अभी तो बहुत परेशान हैं। अभी हमारे कारोबार पूरे ठप हो चुके हैं और यूँ थोड़ा बहुत कैसा तो भी चल रहा है। 50 लोगों में हमारा जो है तो सीजन काम वहाँ चल रहे हैं बोला, लेकिन अभी और कर्फ्यू लगा देंगे तो हमारे तो भूखे मरने की बारी आ गई है। अभी भूखे मर जाएंगे हम, और हमारा डिपेंड पूरा जो है तो कारोबार पे है। आज 6-7 महीने से हम घर पे बैठे हुए हैं, ना हमारा कोई धंधा है, ना कुछ है, ना क्या है, ना किसी को हम मांग सकते हैं, ना हमको किसी कोई हमको दे सकता। हमारा व्यवसाय जो ऐसा है, 8 से 10 लेबर को हमको जो है तो संभालना है, और हम ही अगर लोगों को मांगेंगे तो हमको देने वाला कौन है? हमको देने वाला कोई भी नहीं है। ये जनता कर्फ्यू नहीं चाहिए हमको। अभी जो जैसा चल रहा है वैसा बहुत अच्छा है, और चलने दो, कम से कम हमारा 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो रहा है हमारा। अभी 25 से 30 लोगों की भी परमिशन से जो मिली है आपसे, वो हिसाब से हम जो चल रहे हैं हमारा गुजारा हो रहा है। लेकिन इससे पहले भी हमने जो है तो निवेदन ऊपर दिए हुए कि हमको जो है तो 100-200 आदमी की, 500 आदमी की हमको जो है तो परमिशन दो, कुछ हमारा गुजारा होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये भी मान्यता नहीं दी हमको, नहीं मानने को तैयार नहीं ये चीज़ के वास्ते। और दूसरी बात यह है, जो मुफ्त का जो राशन आ रहा वो राशन तो हम तक तो पहुँचा भी नहीं। खाली जो है तो चल रहा है कि भाई हम राशन मुफ्त दे रहे, हमको ना किसी का राशन मिला, ना किसी का 1 रुपया मिला हमको। हमारा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, 6 महीने से कोई गवर्नमेंट कोई शासन पूछने को तैयार नहीं है। मंडप वाला किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा आज किसी ने भी नहीं पूछा हमारे को। आज हम किस मोड़ पर आकर टिके हुए हैं, हमारा हाल क्या चल रहा है, हमारा पूछने वाला कोई भी नहीं है। आज वक्त जैसा मिल रहा वैसा कर्फ्यू लगा दे तो हम खाएंगे क्या? हमको कर्फ्यू नहीं होना, हम कर्फ्यू से खुश नहीं है। हम थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो चलने दो, मेहरबानी, गुजारिश, विनंती, हाथ जोड़ के। जनता कर्फ्यू परवनी के अंदर तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज के 6 महीने हो गए जनता कर्फ्यू लगातार चालू है, और 6 महीने से लोग जो है तो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, और आप अगर जनता कर्फ्यू लगाएंगे तो आप लोग तो बहुत बेरोजगारी से परेशान हो जाएंगे। एक तो अभी कुछ दिन पहले ही मार्केट खुला हुआ है, और खुला होने की वजह से लोग जो भी है, छोटे मोटे हमारे भी जो लाइट है, जो छोटे मोटे प्रोग्राम है, जो छोटे मोटे फंक्शन हाल है, जिसके अंदर वही 2 फोकट लगते हैं, 4 फोकट लगते हैं, या कोई गरीब काम के लिए जाता है, अब ये जनता कर्फ्यू के अंदर तो ये सारे चीज़ें बंद हो जाएंगे। इसके अंदर जो है तो और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और जो है तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट की जो सुविधा है जैसे राशन वगैरह, ये तो अभी कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों तक नहीं पहुंचा है। और हम लोग जो है तो पूरे मिडिल क्लास के अंदर आते, हम तो किसी को मांग भी नहीं सकते, और हम छोटी मोटी टोकरे उठाने को भी नहीं जा सकते, छोटे मोटे मजदूरी को भी नहीं जा सकते। आज हमारे कारोबार के अंदर लाखों का माल है, हम खुद एक मालिक है, हमारे पास कुछ 8 मेंबर काम करते। अब हम मिडिल क्लास के अंदर आते, हमारा पूरा लगन सरा चलेगा, गणपति चलेगी, नवरात्र चलेगा, सीजन चलेगा, सारे चीज़ें चले गए इसके अंदर। आप इसके अंदर भी अगर जनता कर्फ्यू लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ तो सोचना चाहिए कि भाई 6 महीने हो गए, 6 महीने के अंदर हमें क्या दिया अभी तक मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट ने, या प्रशासन ने, या कलेक्टर साहब ने हमारे लिए क्या किया अभी तक हमें बताओ। हमें हमारा इतना माल है, हमारी इतनी टीम है, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कैटर्स के लोग जुड़े हुए हैं, बैंड वाले जुड़े हुए हैं, घोड़े वाले जुड़े वाले, फंक्शन हॉल वाले जुड़े वाले हैं। हम लोगों ने क्या करना बताइए आप, हमारे फैमिली क्या करना बताइए, हमारे घर खर्चा हर चीज़ उसके ऊपर, कारोबार के ऊपर है। आज 6 महीने से 8 महीने से हम लोग जो है तो खाली बेरोजगार घूम रहे हैं। लाखों का हमारा माल है, लाखों की हर चीज़ है हमारे पास, मगर हमारे पास कारोबार नहीं है। आज हम जो है तो 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद भी अगर किसी से उधार लेना चाहते हैं तो भी हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और हम अगर उधार ले भी लिए, हम उधार दे कहाँ से? ये सारी बातें जो है तो हमें बताए, हमारे लिए कुछ तो भी करे, और जो है तो ये जनता कर्फ्यू बंद करे। और फंक्शन हॉल में हमें 500 लोगों की परमिशन मांगी, 500 लोगों की परमिशन दी जाए हमें, कब तक हम लोग जो है तो खामोश बैठे रहे? नहीं तो फिर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करे, या हमारे कुछ सुविधा दे, या हमारे कुछ पेमेंट बांधे। मैं सैयद अल्ताफ हुसैन,
जनता कर्फ्यू लगा नहीं लगना चाहिए। हमारे टेंट का कारोबार 6 से 7 महीनों से बंद है। अब थोड़ा थोड़ा कारोबार चल रहा है, शादियां वगैरह थोड़े बहुत की इजाज़त मिल रही है। तो मेरी कलेक्टर साहब से निवेदन है कि कारोबार को चालू रखने की इजाज़त दी जाए और जनता कर्फ्यू ना लगाया जाए तो बेहतर है। बस यही हमारी मांग है। अगर जनता कर्फ्यू आप लगाना चाह रहे हो तो हमारे बारे में भी सोचिए और कुछ हमें मानदान दें। तो इस तरह की अपील हम आपसे करते हैं। निम्न दुधना प्रखंड में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो जाने से यहाँ का 29,480.52 सेतु से तो पानी की जरूरत छोड़ा गया। ये दरवाजे खुल जाने के कारण यहाँ का पानी छोड़ जाने से यहाँ के गांव वालों को सतर्क रहने का इशारा दिया गया है। मराठा समाज को आरक्षण मिले इसलिए परभणी में आज सकल मराठा समाज की ओर से जोरदार घोषणाओं की बारिश की गई। इस समय सुभाष जावड़े के नेतृत्व में ये घोषणाबाजी की गई। आंधळी भैरी मुक्ती सरकार से करायचं काय? हरी मुंडा वरी पाय। आंधळी मुक्ती भैरी सरकार से करायचं काय? हरी मुंडा वरी पाय। एक मराठा मराठा, एक मराठा मराठा। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। अरे कोण म्हणताय देत नाही, याच्याशिवाय राहत नाही। छत्रपती शिवाजी महाराज की, आज आमची परिस्थिती अशी झालेली आहे मराठा समाजाची की न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला, असंतोष सगळ्याच्या मनामध्ये आहे, रस्त्यावर लोकांना यावा वाटतंय, परंतु कोविडसारख्या महामारीमुळे आम्ही रस्त्यावरचे आंदोलनं करायचे नाहीत। म्हणून प्रत्येकाला आज ह्या मीटिंग आम्ही जिल्ह्याची बैठक घेऊन सगळ्याला सांगितलेलं आहे की आपल्याला रस्त्यावर आता यायचंच नाही, ही कोविडची महामारीमधून अगोदर समाजाचं रक्षण करायचं आहे। परंतु याचा अर्थ आम्ही आंदोलनाचं हत्यार टाकून द्यायचं आहे का? नाही। आंदोलनाची धार तर तीव्र झाली पाहिजे। छत्रपतींना अभिप्रेत असलेला गनिमिकावा आम्ही इथून वापरणार। प्रत्येक खेड्यामध्ये एकाबी नेत्याला येऊ द्यायचं नाही, अशा प्रकारची आम्ही रणनीती अवलंबणार। आणि खासदार आणि आमदारांना घेराव घालण्याचं काम आता इथून पुढे जर ते आमच्यासोबत राहणार नसतील, आमचे प्रश्न आरक्षणाचे विधानसभेतून आणि लोकसभेमध्ये जर बांधणार नसतील, तर आम्ही त्यांना फिरू देणार नाही। हीच रणनीती ठरवण्यासाठी आज ही जिल्ह्याची बैठक होती। सोनपेट तहसील में नेशनल हाईवे के नाम पर जाने जाने वाला रास्ता अब रास्ता नहीं रहते हुए खड्डे का माहौल बन चुका है। ये रास्ता है या खड्डा, इस मामले को लेकर यहाँ की जनता परेशान है। जनता ने इस रास्ते के लिए कई मरतबा आंदोलन किए थे। आंदोलन करने के बाद यहाँ के राजनीतिक नेताओं के माध्यम से ये रास्ता बनाया गया, लेकिन ये रास्ता आज रास्ता न रहते हुए खड्डे बन जाने से रास्ता या खड्डा इस मामले को लेकर यहाँ की जनता और एक बार जो है तो परेशानी में आ चुकी है। इसे तुरंत सुधारा जाए, ऐसी मांग जनता की ओर से की जा रही है। येलदरी धरन के 10 दरवाजों को खोला गया, जिसमें से 5 दरवाजे पूरी तरह आधे खोल दिए गए और 5 दरवाजे मुख्तसर इसमें अंदाज में खोले गए हैं। ये पूरा पानी पूरा नज़दीकी में छोड़ा गया है। यहाँ के भी देहात के लोगों को जो है तो सतर्क का इशारा प्रशासन की ओर से दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए परभणी महानगर न्यूज़ नेटवर्क। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss an update.